अस्सलाम वालेकुम जफर भाई। अस्सलाम वालेकुम फारूक सत्तार साहब, यहाँ आए हैं सीनियर सियासतदान हैं कराची के, और इस वक्त कराची में इनको बहुत माना जाता है, लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। फारूक भाई कैसा लग रहा है बताएं लोगों को, यहाँ जो कुछ आप देख रहे हैं, जिस तरह ट्रक आ रहे हैं इलाकों में जा रहे हैं, जो कुछ आप देख रहे हैं वो बताएं लोगों को सर। मैं सबसे पहले तो JDC जाफरिया डिज़ास्टर सेल, उसके रूए रवा जफर अब्बास और उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करूंगा, क्योंकि कोरोना से जो ख़तरात हैं लोगों की सेहत और ज़िंदगी को, और उससे जो हलाकतें हो रही हैं या होंगी अल्लाह ना करे, लेकिन उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक और बड़ा इंसानी अलमिया है कि लॉकडाउन की वजह से जो डेली वेजेस पर, रोज़ाना उजरत पर काम करने वाला तबका है, दिहाड़ीदार जिन्हें कहते हैं, जिन्हें मज़दूर कहते हैं, अगर उनकी ज़रूरत और उनके घरों तक ये राशन और ये सामान ना पहुँचे तो कितनी हलाकतें हो सकती है भूख की वजह से, बुनियादी ज़रूरत पूरी ना हो उसकी वजह से। तो मैं समझता हूँ कि बहुत चंद इदारे होंगे शायद पाकिस्तान में, और उनमें जो नुमाया जो फलाही काम हो रहा है, जो अल्लाह के लिए काम हो रहा है, जो अल्लाह की मखलूक और खलकत के लिए काम हो रहा है, और बिला इम्तियाज़ मज़हब, मसलक, रंग, नस्ल, इलाका, ज़बान, सब के लिए काम हो रहा है, तो वो ज़फ़र अब्बास, JDC और उनकी टीम ये काम कर रही है। मैं फिर उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, उनके काम को सराहता हूँ, और पूरे पाकिस्तान की तरफ से उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, क्योंकि सिर्फ काम ही नहीं हो रहा लोगों की फलाह के लिए, उनके लिए यहाँ राशन तैयार किया जा रहा है, राशन बैग तैयार किए जा रहे हैं, बल्कि जिस मुनज़्ज़म तौर पर जितना ऑर्गेनाइज्ड काम हो रहा है, तो काम तो शायद बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इतना ऑर्गेनाइज्ड काम मैं समझता हूँ कि ये कराची की तंजीम होने के नाते से इनके लिए ज़रूरी था कि ये नज़्म व ज़ब्त का भी इजहार करें और पूरे नज़्म व ज़ब्त के साथ ये काम करें। एक इंसानी जान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है, और मुझे यकीन है कि कितनी इंसानी जानों को ज़फ़र अब्बास और JDC और उनकी टीम ने जो है वो बचाया होगा और बचाने में कामयाब भी होंगे। देखें, ये सब वसाइल हैं और ये वसीला हैं, ये तो जो कुछ हो रहा है ये तो कर तो ऊपर वाली ज़ात ही रही है, अल्लाह की ज़ात ये काम ले रही है इनसे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपना दिन और रात लगाया है, इन्होंने मेहनत की है, नेक नियति और अखलास के साथ काम किया है, बेलॉस काम किया है, सिला सताइश की तमन्ना से बालातर होके काम किया है, लेकिन अल्लाह ताला इनकी तौफीकात में इजाफा करे, इन्हें अजर दे, और लोग भी इनके काम को पसंद कर रहे हैं, और हुकूमत को भी चाहिए, इंतज़ामिया को भी चाहिए कि मुख्तलिफ मोहल्लों में नौजवानों की रज़ाकार फोर्स तैयार हो, उसका नाम कुछ भी रख ले, और वो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और हुकूमत उनके साथ मिलकर लोगों के घरों तक उनकी ज़रूरत और राशन पहुंचाने का इंतज़ाम करें, ताकि लोगों को यहाँ JDC के दफ्तर भी ना आना पड़े, इनके पास भी ना आना पड़े, और इनके पास भी रश कम हो, ये जहाँ बांटने जाए वहाँ भी रश कम हो। इसीलिए हम भी गुरेज कर रहे हैं कि हम ज़्यादा पब्लिक में जाएं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के तकाजे भी कंप्रोमाइज़ ना हो, हमें उसका भी ख्याल रखना है कि जिस बहरान से पूरी दुनिया गुजरी, जिस चैलेंज से, हमें पता है कि ये जंग हमें बाहर मैदान में जाकर नहीं जीतनी, हमें ये जंग अपने घरों में जीतनी है, घर में रह के जीतनी है, तो हम भी घर में हैं। ठीक है, ज़फ़र अब्बास JDC के रज़ाकार रिस्क लेकर निकले हुए, अपनी जानों का रिस्क लेकर निकले हुए, क्योंकि इन्हें हज़ारों लाखों जानों को बचाना है, तो इसलिए इनका क्रेडिट और ज़्यादा, क्योंकि ये बहरान कोई जंग नहीं हो रही कि जो महाज़ों पर हो रही हो, ये जंग तो कोरोना किसी जगह भी हो सकता है और हर जगह हो सकता है, तो अल्लाह इनको भी अपने हिफ्ज़मान में रखे, मौला सलामत रखे इन्हें, और इनके तौफीकात में इजाफा हो, और मुखय्यर हज़रात से अपील है कि इनकी जितनी इमदाद और ताबुन हो सकता है वो करें। बहुत शुक्रिया फारूक भाई, खुदा आपको बहुत इज्जत दे सर।